बिग बॉस के घर की सबसे क्यूट कंटेस्टेंट शहनाज कौर गिल, जो कि पहले ही दिन से अपनी क्यूटनेस से सभी को अपना फैन बना चुकी हैं और घर वालों के साथ भी हंसती मुस्कुराती हुई नजर आई हैं। वो घर में अकेली बैठी फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। शहनाज कौर गिल, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है, वो रोती हुई नजर आई। दरअसल बिग बॉस ने शहनाज को राशनिंग का काम दिया था, जो कि वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। पारस छाबरा, जो उनकी ड्यूटी पार्टनर है, वो अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर सारे घर वाले शहनाज को कहते हैं कि शहनाज ये गलत है, तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। शहनाज कहती है कि मुझसे नहीं हो रहा है ये, सबको अलग अलग टाइम पे चाय चाहिए, सबको ये पूरा टाइम किचन में भीड़ लगाए रखते हैं और मैं इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकती इसमें। तो इस पर घर के सभी सदस्य शहनाज से कहते हैं कि अकेला पारस ये सब नहीं कर सकता है, तुम्हें भी अपनी ड्यूटी को पूरा करना होगा। शहनाज आरती से कहती हुई नजर आती है कि तुम बिग बॉस से बात कर लो, तुम्हारा वो बर्तन वाला मैं कर लूंगी और राशनिंग वाला तुम कर लो। आरती कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं राशनिंग में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से बाकी 13 लोग परेशान हो रहे हैं। दलजीत कौर कहती हैं कि इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है बेटा, ये बिग बॉस का घर है। कोयना मित्रा कहती हैं कि किचन में जब इतने सारे काम हैं, तो किचन के कामों को करने के लिए किचन में भीड़ होगी ही। और सारे घर वालों से इतना सुनने के बाद शहनाज काफी परेशान हो जाती हैं और अकेले बाहर गार्डन एरिया में बैठी रोती हुई नजर आती हैं। बिग बॉस सीजन 13 की सभी चटपटी, मसालेदार और स्टेडी सीजन की सारी टेढ़ी खबरें यूं ही सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ।